हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बीएसएनएल ब्रॉडबैंड कनेक्शन या एफटीटीएच कनेक्शन में आपको कितना खर्च आएगा और कौन कौन से डिवाइसेस लगेंगे, आपको वो डिवाइसेस खरीदने हैं, रेंट पर लेने हैं या फिर वो आप खुद से यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कौन कौन से वेज हैं जिससे आप बीएसएनएल ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले सकते हैं। फुल डिटेल में है वीडियो, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, सारा कंफ्यूजन क्लियर होगा। पूरा डिटेल में मैंने पूरा रिसर्च करके ये वीडियो बनाया है, तो लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बीएसएनएल है सरकारी कंपनी, तो वो हर एक एरिया में फैली हुई है, रिमोट एरिया में और विलेजेस में और शहर में हर जगह बीएसएनएल अवेलेबल है। जहाँ पर आपको प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज नहीं मिलेंगी वहाँ बीएसएनएल मिलेंगी और वहाँ बहुत अच्छी सर्विसेज चलती हैं बीएसएनएल की। आप कहीं गांव में जाइए तो आपको दूसरा कोई नेटवर्क नहीं मिलेगा, बट बीएसएनएल का नेटवर्क बहुत ही अच्छा चलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए। तो उसके लिए आप दो टाइप से अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। तो ऑफलाइन के लिए पहले मैं बता देती हूँ, ऑफलाइन के लिए आपको बीएसएनएल ऑफिस जाकर वहाँ पर बीएसएनएल ऑफिसर से बात करनी होगी और दो फॉर्म फिल करने होंगे। अगर आपको सिर्फ ब्रॉडबैंड कनेक्शन चाहिए तो आपको एक फॉर्म फिल करना होगा, और अगर आपको ब्रॉडबैंड प्लस लैंडलाइन कनेक्शन चाहिए तो आपको दो फॉर्म फिल करने होंगे। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। उसके लिए आपको लगेगा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, वैलिड एड्रेस प्रूफ, और एड्रेस प्रूफ वही होना चाहिए जहाँ पर आप कनेक्शन लगवाना चाहते हैं और जिसके नाम पर लगवाना चाहते हैं उसी का एड्रेस प्रूफ आपको देना है। दूसरा लगेगा आइडेंटिटी प्रूफ, जिसके नाम पर आपको लेना है सेम उसी का आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा, या फिर आप सिर्फ आधार कार्ड देकर दोनों ही काम एक ही चीज़ से कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि अगर आप बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेते हैं तो आपका खर्च कितना आएगा। तो सबसे पहले दो टाइप से बीएसएनएल सर्विस प्रोवाइड करवाता है, एक तो बीएसएनएल के ऑफिसर्स खुद आकर आपके यहाँ कनेक्शन देंगे, या फिर बीएसएनएल का पार्टनर जिसको बोलते हैं टीआईपी, जिनको उन्होंने फ्रेंचाइजी दे रखी है वो कनेक्शन करवाएंगे, तो उसका अलग कॉस्ट है, और बीएसएनएल वाले अगर कनेक्शन देते हैं तो उसका अलग कॉस्ट है। तो पहले आपको पे करनी होगी सिक्योरिटी डिपॉजिट। अगर आप जो भी आप प्लान लेना चाहते हैं, मान लीजिए आपने 999 रुपीज़ का प्लान लिया है प्लस उसमें 18% जीएसटी ऐड करके जितने का भी प्लान है वो आपको वन मंथ का सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना होगा, जो कि रिफंडेबल है। जब भी आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन कटवाते हैं तो वो आपको रिटर्न हो जाएगा। और हाँ, मैंने ऑलरेडी कौन कौन से प्लान्स अभी चल रहे हैं ब्रॉडबैंड या एफटीटीएच कनेक्शन के, उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, तो अगर आप जानना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप आई बटन पर जाकर भी देख सकते हैं। तो वन मंथ का आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट हो गया, साथ में आपको इंस्टॉलेशन चार्ज लगेंगे जो कि 250 रुपीज़ है, और ये एरिया टू एरिया डिपेंड भी करती है, डिफ़र कर सकती है, और आप कौन सा प्लान ले रहे हैं उस पर भी डिफ़र करता है कि कितना आपको इंस्टॉलेशन कॉस्ट लगेगा। प्लस आपको इसमें एक मॉडेम लगवाना होगा जिसको बोलते हैं ONT या ONU, उसका आपको रेंट पे करना होगा, रेंट पर लेना होगा, मतलब क्योंकि बीएसएनएल वाले लगवाते हैं तो आपको उसे रेंट पर लेना होगा, या फिर आप अपना भी यूज़ कर सकते हैं अगर बीएसएनएल ऑफिसर्स आपको अलाउ करते हैं। तो अगर आप रेंट पर मॉडेम लेते हैं तो आपको 90 रुपीज़ पर मंथ पे करना होगा, जो कि हर मंथ आपके बिल में ऐड होकर आएगा। तो टोटल कॉस्ट हो गया वन मंथ का सिक्योरिटी डिपॉजिट और इंस्टॉलेशन चार्ज प्लस मॉडेम का कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट 1000 to 2500 रुपीज़ में आपका पूरा इंस्टॉल हो जाएगा अगर बीएसएनएल ऑफिसर्स आपके यहाँ इंस्टॉल करने आते हैं तो। उसके साथ ही अगर बीएसएनएल के जो फ्रेंचाइजी पार्टनर हैं वो आपको इंस्टॉल करके देते हैं तो उसमें आपको लगेगा सिक्योरिटी डिपॉजिट वन मंथ का तो लगेगा ही, इंस्टॉलेशन कॉस्ट लगेगी। अब यहाँ पर एक चीज़ चेंज हो जाती है कि यहाँ पर आपको मॉडेम खरीदना पड़ता है, जो कि वो लोग देते हैं 3000 to 3500 रुपीज़ के बीच, और इसमें बस एक चीज़ ये होती है कि आप बाय करते हैं तो वो मॉडेम आपका हो जाता है। लॉन्ग टर्म के लिए ये सही रहता है क्योंकि रेंट 90 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से फिर कॉस्ट ज़्यादा ही पड़ती है,
एक बार मॉडेम आप खरीद लेते हैं तो वो परमानेंटली आपका हो जाता है। यहाँ पर मॉडेम आपको अगर खुद का यूज़ करना है तो ये डिपेंड करता है कि जो फ्रेंचाइजी पार्टनर हैं वो आपको अलाउ करते हैं या नहीं अलाउ करते कि आपको मॉडेम अपना यूज़ करना है, क्योंकि उनको बेचना है, उनको प्रॉफिट कमाना है, तो मे बी वो लोग आपको अलाउ ना करें कि आप अपना मॉडेम यूज़ करें। उसके साथ ही जो फाइबर लाइन है आपके एरिया तक नहीं गई हुई है और उसको बिछाने में ज़्यादा केबल लग रही है, तो उसका कॉस्ट भी आपको पे करना होगा, जो कि 12 रुपीज़ से 20 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से कॉस्ट हो सकती है। तो ये टोटल कॉस्ट हो गई आपकी 1 मंथ की सिक्योरिटी डिपॉजिट और 250 रुपीज़ इंस्टॉलेशन चार्ज और मॉडेम का कॉस्ट। उसके साथ ही ब्रॉडबैंड या FTT कनेक्शन में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग के लिए एक लैंडलाइन कनेक्शन भी दिया जाता है, तो उसके लिए आप टेलीफोन या तो खुद से यूज़ कर सकते हैं, खुद का खरीद कर, या फिर आप BSNL से बाय कर सकते हैं, जो कि 600 रुपीज़ का आता है। मैं कुछ टेलीफोन्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से जाकर भी देख सकते हैं, और कुछ मॉडेम के भी लिंक दे दूंगी, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं या फिर बाय भी कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल था कि क्या क्या कॉस्ट आपको लगने वाली है इंस्टॉलेशन में, और आपके एरिया पर डिपेंड करता है कॉस्ट थोड़ी सी ऊपर या नीचे हो सकती है। तो आपने कौन सा कनेक्शन लिया है मुझे कमेंट करें, और आपको इंस्टॉल करवाने में कितना कॉस्ट लगा ये भी आप मुझे कमेंट करें। मैं हूं निधि और आप देख रहे हैं नो मैच। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। नमस्ते, थैंक यू फॉर वॉचिंग।